नमस्कार दोस्तों, एडीसैट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है राग मालकोस, और दोस्तों ये इसका पहला भाग रहेगा। और इसी लेक्चर के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी, हेड संगीत विभाग भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, डॉक्टर यजुर्वेदी भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक जाना माना नाम है। इन्होंने अपने संगीत की तालीम हासिल की है पंडित शंकर नाथ पाटिल और श्रीमती विदुषी सुलोचना बृहस्पति से, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। और हमारे साथ इसी लेक्चर में तानपुरा पर मौजूद हैं मिस गगनजीत कौर, ये हिंदुस्तानी और गुरमत संगीत में निपुण हैं। और तबले पर हमारे साथ हैं मिस्टर जगतार सिंह, इन्होंने फजल अहमद खान साहब जो कि पंजाब घराने के हैं उन्हीं से तालीम हासिल की है। और दोस्तों मैं इन सभी का हमारे आज के कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूँगी, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम शुरू करेंगे तो राग मालकोस, बहुत ही मधुर राग है और कहा कहते हैं कि मन को मोह लेने वाला राग है। तो इसके सुर ही ऐसे हैं कि जो आपको बिल्कुल इसके स्वभाव के अनुसार जो है आपको मनमोहक लगते हैं, मधुर लगते हैं, और बहुत ही खूबसूरत राग है। और अक्सर लोग यही कहते सुने हैं कि मालकोस राग उनका पसंदीदा राग है, या वो उसको बहुत गाना और बजाना पसंद करते हैं। तो आज हम जानते हैं कि राग मालकोस आखिर है क्या। राग मालकोस के बारे में शुरू करने से पहले जो सबसे पहली चीज़ हम जानना चाहेंगे वो है कि राग मालकोस आया कहाँ से, यानी राग मालकोस की शुरुआत किस थाट से मानी गई है। राग मालकोस भैरवी थाट जन्य माना है, यानी भैरवी थाट से इस राग की उत्पत्ति हुई है। भैरवी थाट क्यों, अब ये भी एक प्रश्न आता है कि भैरवी थाट से क्यों उत्पत्ति हुई है, क्योंकि इस राग में गांधार, धैवत और निषाद ये तीनों स्वर जो हैं ये कोमल लगते हैं। तो साधारणतः जब हम भैरवी थाट की बात करते हैं तो उसमें रेगा ध्वनि कोमल लगता है, क्योंकि इस राग में ऋषभ वर्जित है। तो गांधार, धैवत और निषाद ये तीनों स्वर जो हैं ये कोमल है, इसकी वजह से इसको जो है भैरवी थाट के अंतर्गत माना गया है। अक्सर मैं अपने जो भी लेक्चर्स हैं उसमें ये बताती हूँ कि अमुक राग अमुक थाट के अंतर्गत है और या उस थाट से उत्पन्न है, तो ये जिज्ञासा ज़रूर आपके मन में होती होगी कि आफ्टरऑल कितने थाट हैं या कितने ऐसे मुख्य रागों के नाम पर आधारित ये थाट हैं जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रचलित हैं। तो आइए आज हम थोड़ी सी ये जानकारी भी लेते हैं कि थाट परम पद्धति जो है वो मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगी, क्योंकि पहले मेल पद्धति या और भी उसका विस्तार, पर बिल्कुल जो आजकल प्रचलित है उसमें पंडित भातखंडे जी, जिनका कि संगीत के क्षेत्र में, भारतीय संगीत क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने 10 विध थाट वर्गीकरण जो है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो दशविध जो थाट वर्गीकरण है इसमें 10 थाटों को, यानी 10 मेन थाटों को, मेन मैं कहूँगी कि एक क्लासिफिकेशन के लिए जो है अलग अलग कैटेगरीज जो हैं उन बना दी। तो 10 और ये थाटों के नाम जो थे उस थाट के अंतर्गत आने वाले मुख्य राग, यानी जिस राग के स्वर सबसे अधिक मिलते हैं उस थाट से, उसी के नाम पर उन्होंने थाट जो है थाट का नाम रख दिया। जैसे कि भैरव थाट, तो भैरव थाट जो है उसमें क्योंकि रेधा कोमल है तो एक भैरव राग है जिसमें कि रेधा कोमल है, संपूर्ण जाति का राग है, तो उन्होंने क्या किया उस थाट का नाम ही भैरव रख दिया। तो भैरव थाट, अब हम कहते हैं कि राग भैरव भैरव थाट से जन्य है, यानी भैरव थाट से उत्पन्न है। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि राग मारवा मारवा थाट से उत्पन्न है, या हम कहते हैं राग खमाज तो हम कहें खमाज थाट से उत्पन्न, यानी खमाज थाट का जो मेन राग है वो राग खमाज है। तो इस तरह की जो 10 अलग अलग तरह की जो है वर्गीकरण जो उन्होंने प्रस्तुत किया वो एक बहुत ही आसान, हम लोगों के लिए संगीत के विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान तरीका हो गया है कि जिससे कि वो अलग अलग रागों को याद रख सकें या उनको ये समझ में आ जाए कि उस राग में कौन से स्वर प्रयोग होते हैं।
तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी राग को जब गाते हैं तो राग में प्रयुक्त होने वाले जो स्वर हैं उन स्वरों के आधार पर हम देखते हैं भाई ये किस थाट में ये फिट हो रहा है, तो हम उसको उसी थाट के अंतर्गत हम उसको रखते हैं। तो इस प्रकार से जो 10 अलग अलग जो थाट बताए हैं वो याद करने में भी आसान है, 10 क्योंकि हमारी फिंगर्स जो होती है वो 10 हैं और हम यदि इन एक एक फिंगर को एक थाट का नाम देते तो हम 10 थाट बिल्कुल आराम से याद कर सकते हैं। और उन थाटों को याद करते वक्त हम उसमें कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं या स्वरों का स्वरूप कौन सा है, यानी वो कोमल हैं कि तीव्र हैं, ये भी हमें पता चल जाता है, तो बहुत ही आसान हो जाता है याद करना। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको थोड़ा सा थाट के बारे में बताऊंगी। तो फिर हम जब इस विषय को थोड़ा डिटेल में लेंगे तब हम इसके बारे में और जानेंगे। अभी मैं पुनः मालकोस पे आती हूँ कि मालकोस थाट राग जो है वो भैरवी थाट जन्य है क्योंकि इसमें गांधार, धैवत और निशा तीनों कोमल लगते हैं। मालकोस राग को कुछ लोग अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं, जैसे मालकंस बोलते हैं कई लोग, मालकौश बोलते हैं कई लोग, तो ये इस तरह के भी नाम जो हैं वो प्रचार में हैं। मालकोस राग जो है ये औरव जाति का राग है, जैसे मैंने आपको बताया कि राग जो है उसकी भी अपनी जातियाँ होती हैं, यानी जो स्वर उसके आरोह अवरोह में प्रयोग होते हैं उन स्वरों की जो नंबरिंग यानी कितने स्वर उसमें प्रयोग हो रहे हैं उसके हिसाब से जातियाँ बनती हैं। तो क्योंकि इसमें 5 स्वर हैं और 2 स्वर वर्जित हैं तो इसकी जाति हो गई है औरव, यानी आरोह में भी 5 स्वर हैं, अवरोह में भी 5 स्वर हैं, तो औरव औरव इसकी जाति है। इसमें ऋषभ और पंचम जो है वो वर्जित हैं, यानी टोटली उनको प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि मालकोस का जो स्वरूप है वो ऋषभ और पंचम को हटाने के बाद ही सामने आएगा। तो जाहिर सी बात है जब हमने 7 स्वरों में से 2 स्वरों को निकालते तो बचे 5, तो इस तरह से इसकी जाति जो है वो औरव जाति हो गई। तो ऋषभ और पंचम का इसमें सर्वथा जो है वर्जत्व जो है इसमें इस राग में पाया जाता है। राग मालकोस जो है वो उसकी प्रकृति की जब हम बात करें यानी उसके नेचर की बात करें तो जहाँ हम एक तरफ कहते हैं कि मधुर है, मनमोहक है, वहीं पर ये गंभीर प्रकृति का है, यानी सीरियस है। ऐसा नहीं कि मधुर गंभीर जो राग होता है वो मधुर ना लगे या मनमोहक ना लगे, हर राग का अपना एक भाव होता है जिसे हम कहते हैं उस राग का रंग। तो राग मालकोस का जो भाव है वो माधुर्यता के साथ साथ जो है गंभीरता को लिए हुए है, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है जब हम गाते हैं तो उसको फील कर सकते हैं, उस तरह के भाव को जो है सुनने वाला भी उसको अनुभव कर सकता है और गाने वाला या वाद्य में राग मालकोस बजाने वाला भी उसका अनुभव कर सकता है। तो ये तो रही बात वादी सॉरी थाट जाति की। अब वादी और संवादी की बात आती है, यानी कौन सा वो स्वर है जो कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे मेन है, वो है स्वर मध्यम, जिसे कि वादी स्वर कहा है। तो मध्यम वादी होने का मतलब है कि मध्यम का वर्चस्व यहाँ पर ज़्यादा है, मध्यम बार बार लगता है। और क्योंकि मैंने आपसे बोला कि पंचम इसमें सर्वथा वर्जित है यानी पंचम हम इसे लेंगे ही नहीं, तो इसीलिए मध्यम दूसरा एक ऐसा स्वर है जो कि तानपुरे पर मिलाया जाता है। तानपुरे की पहली तार जो है वो हमेशा मध्यम पर मिलाई जाती है, यानी सा और म पर तानपुरा मिलाया जाएगा। तो वादी स्वर जो है वो मध्यम है और संवादी स्वर जो है वो षड्ज है, यानी सेकेंड इम्पॉर्टेंट नोट। और जहाँ तक बात हम करते हैं अनुवादी स्वरों की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि रे और प तो वर्जित है, बचे गांधार, धैवत और निषाद, तो ये अनुवादी स्वर हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जब किसी राग को जानते हैं तो हम उस राग के बारे में पहले बिल्कुल बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि वो राग आफ्टर ऑल किन स्वरों से बनता है, यानी इसमें जो मैंने आपको स्वरों के प्रकार बताए कि ग, ध, नी तीनों जो स्वर हैं वो अनुवादी स्वर हैं, वादी मध्यम है, षड्ज जो है वो
संवादी है। तो देखिए पूरा राग सामने आ गया। गधनी कोमल प्रयोग होते हैं जिसे हम इंग्लिश में फ्लैट बोलते हैं। तो राग जो है षड्ज, कोमल गांधार, शुद्ध मध्यम, कोमल धैवत, कोमल निषाद से ये राग की निर्मिति होती है। प्रकृति की बात मैंने आपको बता दी कि इसका नेचर जो है यानी इसकी प्रकृति, इसका स्वभाव जो है वो गंभीर है और मन को मोह लेने वाला है, बहुत ही मधुर है, बहुत ही रसपूर्ण है। और ये राग जो है ये आलापचारी का राग कहा गया, यानी घंटों इस राग को गाया जा सकता है, आलाप जो है इस राग में किया जा सकता है। तो गंभीरता जो है ये उसका गंभीर व्यक्तित्व जो इस राग का है वो इसकी आलापचारी में बहुत ही खूबसूरत लगता है। घंटों इसको गाया जा सकता है, बजाया जा सकता है और एक तरह से मैं कहती हूँ कि जब हम इस राग को गाते हैं तो हम गाते गाते ऐसा लगता है किसी और ही दुनिया में चले जाए। या आजकल मेडिटेशन का ज़माना है तो मेडिटेशन, लोग कहते हैं मेडिटेशन करना है, तो संगीत तो स्वयं ही एक मेडिटेशन है। जब आप संगीत का अभ्यास कर रहे हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बिल्कुल एक जगह फिक्स हो जाता है, यानी उस समय हम और कुछ नहीं सोचते, हम सिर्फ राग के बारे में सोचते हैं या जो हम स्वर का बढ़ाव कर रहे हैं, जो हम आलाप कर रहे हैं, हमारा सारा फोकस उस तरफ होता है। तो ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, बड़ी इसको ध्यान में रखने वाली बात है। और इसीलिए राग यदि मालकोस जैसा राग है तो वह सोने पर सुहागा कह सकते हैं उसको। तो आलापचारी वाला ये राग है। इस राग के वो गाने का जो समय निर्धारित किया है शास्त्रकारों ने वो है रात्रि का तृतीय प्रहर, यानी रात्रि का तीसरा प्रहर। तो रात को गाए जाने वाला ये राग है। और विषय की जहाँ तक बात करती हूँ, इस राग में जो बंदिशें मिलती हैं, बंदिशें हर तरह की बंदिशें मिलती हैं, उसमें हम आध्यात्मिक बंदिशें भी कह सकते हैं, उसमें हम श्रृंगारिक भी कह सकते हैं और वीर रस की भी बंदिशें इसमें मिलती हैं। तो राग जो है उसके स्वर ही ऐसे हैं कि उसको हम इन सब रसों में, इन सब भावों में जो है होने वाले, कहने वाले भावों को अभिव्यक्त करने वाले जो साहित्य के साथ गाए तो राग बहुत खूबसूरती से सामने आता है। अब हम इस राग के आरोह और अवरोह को जानेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि षड्ज और मध्यम जो है तानपुरे पर मिलाया जाएगा, मध्यम क्योंकि कोमल नहीं होता और मध्यम तीव्र नहीं होता इस राग में, तो मध्यम शुद्ध प्रयोग होगा। तो गांधार, धैवत, निषाद जो है ये हमेशा कोमल प्रयोग होंगे। तो चलिए पहले इसके आरोह को जानते हैं। सागमा धनी सा या निषाद से भी इसको आरंभ कर सकते हैं इस आरोह को। और गम ग धनी तीनों कोमल प्रयोग हो रहे हैं। आकार में देखते हैं आ
कि कितना खूबसूरत जब गाते हैं राग का आरोह अवरोह ही जो है उसकी माधुर्यता को जो है प्रकट करता है। और ऐसा भी नहीं लग रहा कि हमें बहुत जल्दीबाजी है, आराम से जो है एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाया जाता है। अब रही बात इसके पकड़ की, तो पकड़ इसकी इस पर सा ग म ग सा द सा, इतना कहते ही राग जो है सामने आता है। या म ग म द नि द म ग म ग सा, देखिए इतना फ्रेज बोलते ही राग जो है वो सामने आता है। पकड़ जैसे शब्द में बार बार कहती हूँ, पकड़ का अर्थ होता है कि पकड़ना। तो पकड़ जो स्वर है, पकड़ जो एक टर्म है म्यूजिकल टर्म, उसमें राग की आइडेंटिटी यानी राग का जो पहचान है तो वो जो है उसको एकदम से जान लेते हैं कि भाई इन ऐसे ही स्वर गुच्छों का या स्वर समुदायों का प्रयोग होता है जिसमें कि उसको गाते ही वो राग एकदम सामने आता है। अब हम जब गाते हैं सा ग म ग सा तो लोग एकदम कहते रहे ये तो मालकों से, या मैं देनी रागमाल को सामने आ गया। और देखा जाए ग म ग सा द नि द म, ये कुछ जाना पहचाना एक जैसा लगता है। ग म ग सा द नि द म द नि द म ग म ग सा, यानी षड्ज मध्यम भाव यहाँ पर छुपा हुआ है, यानी सा और म। यदि म को सा मान लिया जाए तो जो है तब भी आप मालकोस गा सकते हैं। तो षड्ज मध्यम भाव यहाँ पर छुपा हुआ है। और क्योंकि मैंने सवाल जवाब भी आपको बताया कि राग जो है वो राग के आरोह अवरोह और राग का पकड़ सिर्फ एक राग का स्केच आपके सामने प्रस्तुत करता है कि ये राग का दायरा है, इन स्वरों को आपको प्रयोग करना है, इनकी संगति ऐसे लेनी है। लेकिन जब हम राग को गाते हैं तो राग को गाते वक्त हमने उसका जो जो उसका जो चलन है उस पर हमने मेन ध्यान देना है। और इस चलन में स्वर संगतियाँ जो हैं वो बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं। जैसे कि मैं साधारण से हम अपनी दिनचर्या में एक साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने मैं अक्सर ये एग्जाम्पल विद्यार्थियों को देती हूँ कि हम कहते हैं कि चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए हम कहते हैं भाई चाय बनाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। चाय बनाने के लिए पानी चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, और यदि आप किसी हर्ब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी चाहिए। अब थ्योरेटिकली तो मैंने आपसे कह दिया, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली जब तक हम उसको न करें तब तक वो चीज़ क्लियर नहीं है। यानी यदि हम गलती से पहले चाय पत्ती डाल दें और फिर हम उसके बाद उसको गर्म करें और फिर हम पानी डालें तो चाय नहीं बनेगी। यदि हम उसको उसी प्रोसेस में उसी स्टेप वाइज चलें कि भाई पहले पानी डालना है, फिर पत्ती डालनी है या उसमें चीनी डालनी है, फिर दूध डालना, तो ये एक तरीका है सिस्टमेटिक जिससे कि एक रिजल्ट क्या निकलता है, चाय। तो ये बड़ा सा सीधा सरल एक एग्जाम्पल मैं अक्सर विद्यार्थियों को देती हूँ ताकि वो अपने जब हम राग के बारे में बता रहे होते हैं तो वो उसको बहुत आसानी से कोरिलेट करके समझ सके। तो राग में भी ऐसा, राग में हमने आपको बता तो दिया कि आरोह अवरोह में ये स्वर हैं, लेकिन यदि हम प्रैक्टिकली उसका चलन आपको ना बताएं तो वो राग सामने नहीं आता। सिर्फ हमें काम चलाने के लिए आरोह अवरोह हमें पता है, तो आरोह अवरोह बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना आरोह अवरोह के हम राग को जान नहीं पाएंगे कि राग में कौन कौन से स्वर जो हैं वो प्रयोग होते हैं। लेकिन यदि हम इन स्वरों को जान भी लेंगे तो हमने ये ध्यान देना है कि जैसे पकड़ भी इम्पॉर्टेंट है कि पकड़ में जो हम स्वर प्रयोग हो रहे हैं यानी कि वो मेन फ्रेज है जिससे कि राग की आइडेंटिटी हमारे सामने आती है। तो पकड़ को भी ध्यान में रखना है, स्वरों का जो स्वरूप है उसको भी ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ
स्वर संगतियों का ध्यान रखना है। स्वर संगतियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कौन से स्वर के साथ कौन से स्वर की संगति जो है वो खूबसूरत लगती है और राग को स्पष्ट दर्शाती है। जैसे कि इसमें देखिए सा मा, तो एक स्वर संगति ये हो गई सा मा, अक्सर दैनी सा ग मा दैनी सा हम ऐसे गाते हैं, लेकिन जब हम अपनी आलाप जारी करते हैं, जब आलाप में हम बढ़ाव करते हैं तो हम सा मा मा ग दैनी सा मा ग, इस प्रकार से हम षड्ज और मध्यम की स्वर संगति को जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं इस राग में। देखिए राग जो है उसको सुनने में सारा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तक उसको खुद प्रैक्टिकली गाकर हम ना देखें या हम अपने इंस्ट्रूमेंट पे बजाकर ना देखें, वो स्वरूप या उसका रस या उसका रंग जो है राग का वो हमारे सामने क्लियर नहीं होगा। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जब भी आप इन लेक्चर्स को सुनें उसके बाद सुनकर आप उसका प्रयोग करिए, यानी प्रयोगात्मक रूप जो उसका है, चाहे आप गायक हों या आप वादक हों, आप दोनों जो विद्यार्थी जीवन में इसको प्रयोग करके करिए। जैसे हम कहते हैं जो हमने याद किया उसको लिख लिख के हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब कि एग्ज़ाम में हम उसके लिए अभ्यस्त हो सके और हमें याद भी पक्के तौर पर हो जाए। इसी प्रकार से सुनने के बाद आप उसको गाइए या आप उसको अपने वाद्य पर बजाइए, तो आपको जो मैं कह रही हूँ वो आपको बिल्कुल सामने स्पष्ट हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे स्वर संगतियों की। कुछ विशिष्ट स्वर संगतियाँ हैं वो दैनी सामान, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, या ग मा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, धनी दमा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम जरा इसको मिला कर देखते हैं क्या बनता है। धनी सा मा ग मा ग सा, धनी दमा, मैं मंत्र की तरफ चले गई तो एक राग का जो एक स्वरूप है एकदम सामने आ गया। हमने मेन मेन फ्रेजेस, मेन मेन जो स्वर संगतियाँ उनको लिया। आप गाकर देखिए, आप बजाकर देखिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो ये स्वर संगतियों का खास ध्यान रखिए जब आप राग मालकौंस को गा बजा रहे हैं। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट करती हूँ, धनी सा मा ग नहीं, तो ये धनी धमा जो आखिरी का जो फेज है इसको आप ऊपर भी गा सकते, धनी धमा ग मा ग सा धनी सा मा। देखिए वही चीज है, मैंने मंत्र में भी गाई और मध्य में भी गाई, तो राग एकदम सामने आ गया। तो राग का जैसे मैं अभी गा रही थी आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये राग जो है इसका विस्तार या इसका चलन मंद्र मध्य तार तीनों सप्तकों में है, यानी मंद्र में भी इसको जब हम गाते हैं राग बहुत ही खूबसूरत लगता है और उसकी जो एक उसका जो नेचर है गंभीर प्रकृति वो भी बिल्कुल सामने आती है, और जब हम राग को आगे मध्य और तार सप्तक में गाते हैं तो भी खूबसूरती उसकी जो उसका भाव है वो आप उसको पूरी तरह से उसकी अनुभूति आप कर सकते हैं। तो ये तो था एक विशिष्ट स्वर संगतियों की बात। अब मैं एक बहुत ही विचित्र बात इस राग में मिलती है। देखिए इस राग में षड्ज मध्यम भाव भी है, षड्ज पंचम भाव भी है।
इस राग में जितने भी स्वर प्रयोग होते हैं वो देखिए आपस में इन भावों से जुड़े हैं, जैसे सा मा गदा मनी, सब पेयर हैं, सबका देखिए जोड़ा है, सा मा गदा मनी, इन तीनों में षड्ज मध्यम भाव है। और अब देखिए इसके आगे जब हम दूसरे स्वर संगीत देखें, सगा मदनी गनी, ये भी स्वर संगति प्रयोग होती है। तो सगा जब हम राग का की आलाप करते हैं, राग का बढ़त करते हैं, तो हम ये ढूंढते हैं कि राग को हम यदि इस स्वर संगति, इस स्वर से उस स्वर पर हम जाते हैं और उसको एक तरह से उसकी संगति लेते हैं तो ये कैसा लगेगा। तो इस राग में देखिए ये सारी स्वर संगतियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, सा ग नी दा मा, कितना अच्छा लग रहा है, सा मा मा ग दा दा ग नी दा मा। तो गांधार और निषाद, ये भी स्वर संगति बहुत खूबसूरत लगती है। इसके अलावा जब हम सा ग म नी द म, म सा नी द म, कभी कभी मध्यम और षड्ज इस प्रकार से भी स्वर संगति का प्रयोग किया था। मध्यम से जब हम तार सप्तक के षड्ज पे जाएंगे तो षड्ज पंचम भाव होगा, गांधार से निषाद पे जाएंगे तब भी षड्ज पंचम भाव होगा। तो आपके सामने ऐसा एक राग आज मैंने लिया है जिसमें आप देखिए कि सारे स्वर किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, सा मा गदा मनी धा सा, देखिए राग में सा ग म द नी सा, सा ग म दा। अब देखिए एक एक सुर जो है वो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और ऐसे जा रहा है जैसे कि तैरते हुए जा रहा है, स्विम कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ऐसे नहीं कि जंप कर रहा है क्योंकि उसका वो फील ही खत्म हो जाएगा। सा मा मा ग द नी सा ग मा ग। तो ये जो हम मध्यम से जब हम गांधार पर आके आंदोलन करते हैं, आंदोलन मतलब एक वाइब्रेशन, तो उसको जब हम लेते हैं तो इसकी गंभीरता तो सामने झलकती झलकती है, लेकिन वो एक गंभीरता जो है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है, बड़ी मधुर प्रतीत होती है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही गंभीर हो जाएं, वो उसमें गंभीरता तो है लेकिन कहीं पर एक मिठास है उसमें जो आपके हृदय को छूती है। सा ग म ग म दा दा म ग, सा मा मा ग ग मा ग सा, ऐसे आप जो है राग के स्वरों का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गंभीरता है, माधुर्य है, किस प्रकार से कौन से स्वरों में को गाने से ये लक्षण जो है वो सामने आते हैं। समय मैंने आपको इसका बताया कि रात्रि का जो है वो तृतीय प्रहर या तीसरा प्रहर रात का है। तो राग को उसकी गंभीरता, उसके शांत भाव को देखते हुए मुझे लगता है ये समय बिल्कुल सही इसके लिए चुना गया कि उस समय दिन भर की जैसे हमारी एक दिनचर्या में भाग दौड़, जल्दबाजी या किसी प्रकार की कोई चिंता या किसी प्रकार की कोई एंगेजमेंट्स अपनी, वो सब रहती जो हमको एक तरह से बिखरा हुआ सा रखती हैं या कहें कि बिल्कुल हम जूझे वैसे रहते हैं उसमें, उससे हटकर कहीं पे बिल्कुल शांत मुद्रा में एकाग्रचित होकर जो है हम इस तरह का भाव जो हमारे बिल्कुल हमें एकाग्र करता है हमारे मन को, इस तरह का भाव जो है इस राग में परिलक्षित होता है। और हाँ, एकाग्रता या शांत भाव ऑब्वियसली कि उससे उसमें गंभीरता होना ज़रूरी है, यानी सीरियसनेस होना ज़रूरी है क्योंकि वो कहीं पे
स्टेबिलिटी, एक स्टेबल नज़र आता है वो भाव, तो आप देखिए कि उसको आप आंख बंद करके भी गाएंगे तब भी आपको मज़ा आएगा, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और आपको तब जो मैंने बात कही है कि ये स्वर संगतियाँ हैं, इनको ऐसे प्रयोग, जो बात मैं कह रही हूँ उसके असली भाव को आप तब जान पाएंगे। बस कोशिश इतनी है कि आप उसको प्रैक्टिस करते रहें। तो ये तो एक परिचय मैंने बिल्कुल विस्तृत रूप में कहूँ आपको दिया राग के बारे में, जबकि औड़व जाति का राग है, इसमें 5 ही स्वर हैं और उन 5 स्वरों से देखिए घंटों इस राग को गाया जा सकता है। ये भी बड़ी विचित्र सी बात है, लेकिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रागों में जब हम जाते हैं तो ये जो रागों की जो एक नगरी है, इसमें कितने अलग अलग तरह के पुष्प खिले हैं। मालकोस भी उसमें से एक है, इसको घंटों गा सकते हैं। कोई आम व्यक्ति भी सुनेगा तो उसको बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन जो एक संगीतज्ञ या संगीतकार या संगीत का विद्यार्थी है वो इसका पूरा अनुभव कर सकता है कि मैं क्या कह रही हूँ। और जब वो अपनी प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे से इस राग पर कमांड पाने के बाद उसको प्रस्तुत करता है तो निश्चित ही सुनने वाला जो श्रोता है वो भी आनंद विभोर हो जाता है। तो इस राग को गाइए और बजाइए और इन स्वर संगतियों का खूब प्रयोग करिए, क्योंकि मींड का प्रयोग इस राग में इतना अधिक है। लाग से जाना, मींड से जाना, ये म्यूजिकल टर्म्स हैं, तो इनका प्रयोग इतना खूबसूरत तरीके से किया गया है कि आपके आवाज़ को बनाने में भी इसका बहुत ही एक अहम रोल है। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि इस राग के बारे में विद्वानों ने अपने क्या मत रखे हैं या उनका कहना क्या है, क्योंकि हम जब संगीत के शास्त्र की बात करते हैं या पुराने संगीत के ग्रंथों की बात करते हैं उसमें भी इस राग का वर्णन है। और किस प्रकार का वर्णन है, आइए थोड़ा सा देखते हैं। राग चंद्रिकायम, इस ग्रंथ में क्या कहा गया है, मृदु गमो धनि चैव समो संवादी वादिनो। मृदु गमो धनि यानी गंधार, मध्यम, धैवत और निषाद मृदु हैं यानी कोमल हैं। अब आप कहेंगे कि आपने तो कहा था कि कोमल मध्यम नहीं होता, कहने का मतलब पुराने ग्रंथकार जब ये कोमल शब्द का प्रयोग करते थे, मध्य इसका मतलब शुद्ध मध्यम, यानी चढ़ावा नहीं है, वो शुद्ध मध्यम, उसी को उन्होंने मृदु बोला है। चैव समो संवादी वादिनो यानी स और संवादी वादी कौन है, सा और म। परिहीन माल कौशी निशीथात पर मौड़ुवा, परिहीन माल कौशी निशीथात पर मौड़ुवा, यानी परिहीन प और र के हीन यानी उसके बिना राग मालकौश निशाथा पर मौड़ निशाथा पर कार्त की निशा यानी रात्रि के समय गाए जाने वाला ये औड़व जाति का राग है। देखिए सूत्र के रूप में किस प्रकार ग्रंथों में किसी राग के पूरे स्वरूप का वर्णन किया गया, तो बहुत ही एक निचोड़ जो है वो ग्रंथकार या शास्त्रकार जो है उसने रख दिया है। अब थोड़ी और सरल सी भाषा में राग चंद्रिका सार में क्या कहा गया है, कोमल सब पंचम रिखब, कोमल सब पंचम रिखब दोनों वर्जित कीन। अब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल साधारण सी भाषा में है, कोमल सब पंचम, सारे कोमल हैं, पंचम रिखब दो वर्जित की, यानी पंचम और ऋषभ ये दोनों वर्जित वर्ज किए गए हैं, यानी इनको यूज़ नहीं किया गया, दे शुड बी ऑमिटेड। सम संवादी वादिते मालकंस को चीन, यानी सम सा और म संवादी वादिते यानी संवादी और वादी ये दोनों मालकोस राग जो है इसको प्रस्तुत कर देते हैं। तो कितना सुंदर वर्णन राग चंद्रिका सार में दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये राग आलाप प्रधान है, यानी इसमें घंटों आलाप किया जा सकता है इस राग में, तो
इसके इस चीज़ को, इस कथन को जो है बिल्कुल सामने रखता है एक ग्रंथ श्रीमल लक्ष्य संगीतम पंडित भातखंडे जी का है, जिनको कि चतुर पंडित के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने श्रीमल लक्ष्य संगीतम में राग जो है अलग अलग थाटों के बारे में बताते हुए उनके अंतर्गत जो राग है उनके बारे में बताया। तो राग मालकौंस को उन्होंने भैरवी थाट के अंतर्गत बताया है, उसमें उन्होंने देखिए क्या कहा है, जो बात मैं कह रही थी आलापचारी की बात वो इसमें एकदम स्पष्ट है। आलाप नाहरता चा से सममता गान वेदिना, आलाप नाहरता चा से सममता गान वेदिनाम शुद्ध मध्यम वादित्वम भवेत गांभीर्य वाचकाम। बिल्कुल साफ कहा है कि आलाप, संगीतज्ञ इसे आलापचारी का राग मानते हैं, और शुद्ध मध्यम वादित्वम यानी शुद्ध मध्यम इसका जो वादी है भवेत गांभीर्य वाचकाम यानी इससे इसकी जो गंभीर प्रकृति जो है उसका ये जो शुद्ध मध्यम है वो इसका सूचक है। तो कहने का तात्पर्य मैं इस प्रकार के सूत्रों में जो या श्लोकों के रूप में जो है आपको हर अपने लेक्चर में एग्जाम्पल देती हूँ। क्यों? क्योंकि इसका इसमें मैं आपको ये भी समझाना चाहती हूँ कि पुराने ग्रंथकारों ने किस प्रकार इन राग जो आज राग इतने प्रचलित हैं उन रागों का वर्णन दिया है, और क्या ये राग जो आज इस स्वरूप में है क्या ये उनके समय में किस प्रकार से इनका स्वरूप था। तो अधिकतर पाया गया है कि जो राग मैं आपको जितने अब तक बता चुकी उनका स्वरूप भी वैसा ही रहा है। कुछ कुछ अंतर या कुछ कुछ चेंजेस ज़रूर आते हैं, चेंज तो हर ज़माने में आए हैं। अब मैं आपको उन चेंजेस के बारे में नहीं बताती क्योंकि आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे, आप उससे थोड़ा सा भटक जाएंगे, क्योंकि एक राग में जब थोड़ा सा चेंज कर दें तो वो राग बदल के कुछ और राग बन जाता है। और यदि हम शुरू से इन चीज़ों में पड़ जाएं कि भाई इसमें ये चेंज करने से ये राग बन जाता है तो हम शुरू से ही एक उलझाव की सी एक स्थिति में आ जाते हैं। तो इस उलझन को नहीं रखना हमें, हमें राग को समझना, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है कि हम राग को अच्छे से समझें। अब चलिए ये तो बातें हो गई उसके बारे में, राग मालकौंस के बारे में, इसको हम जानने के लिए एक सरगम गीत पहले गाते हैं और फिर मैं इसकी आलापचारी के विषय में आपको बताऊंगी। इस सरगम गीत को आपके सामने आपको बताने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप इस सरगम गीत में भी देखिए उन्हीं स्वर संगतियों को देखेंगे और किस प्रकार से इन स्वर संगतियों को या इन स्वरों के प्रयोग से पूरी बंदिश सामने आती है। तो ये हम इस सरगम गीत की बंदिश से जानेंगे। दनी सा गमा धा सरगम गीत की तरफ चलते हैं। तीन ताल में निबद्ध है ये सरगम गीत। सानी धनी दामा ग साधनी सामाग सानी धनी दामा ग साधनी सामाग सानी धनी दामा ग सानी सामा maga maga madani sanida sanidani
तक आपको बताई है इसके बारे में वो एकदम सामने आ गया होगा। सानी दनी दामा जो मैंने मुख्य स्वर संगति बताया, दनी दामा गसा दनी सामा, सरी मध्यम का भाव आ गया, मग मदनी सा, फिर वही मग मदनी सा दनी सा ग म ग सा। तो पूरी जो औढ़व जाति में इस राग में जो स्वरों का जो प्रयोग है वो इस सरगम गीत से एकदम सामने आपके परिलक्षित होता है। तो आप इसको गाकर या बजाकर देखिए, बहुत ही आपको इसमें आनंद आएगा। जब मैं इस तरह के लेक्चर्स देती हूँ तो अक्सर युवा पीढ़ी को, जो आज के विद्यार्थी, उनको कुछ ऐसे गीतों से भी अवगत कराना चाहूँगी जो कि शायद आजकल आप कम सुनते होंगे, लेकिन रागदारी या रागों में वो गीत बिल्कुल उसी में गुंथे हैं। तो एक बहुत ही प्रचलित गीत है पुराना, मन तरपत हरि दर्शन को, आज बहुत ही भावपूर्ण है। और इसमें देखिए जो जो मैंने इसका गंभीरता, जो इसका स्वभाव है या इसके इसका शांत और माधुर्यता और साथ में गंभीरता, ये जो भाव है इसमें एकदम सामने आते हैं। तो कोशिश करते हैं इसको गाने की। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन जो है वो इसमें कितनी खूबसूरती से सामने आती है। और देखिए न्यास है मध्यम पर, वादी मध्यम है,
तो देखिए ये वादित्व जो इसका है ये एकदम क्लियरली आपके सामने, तरपत हरी दर्शन को आज मोरे तुम बिना बिगड़े सगरे काज, हे बिनती करत तू रखियो लाज, मन तरपत शायद आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह से अक्सर सुना होगा इस गीत को गुनगुनाते हुए, और शायद आप भी गाते होंगे क्योंकि जब हम आजकल इंटरनेट का ज़माना है, जब हम कंप्यूटर खोल के देखते हैं तो हम किसी राग पर बेस्ड यदि कुछ गीतों को लेंगे तो ये गीत मेरे ख्याल से सबसे पहले इसी गीत का नंबर आता है। तो क्योंकि देखिए भाव सामा मग गम देनी सदनी दम, वही स्वर है जो मैंने आपको बताया है, वही स्वर संगतियाँ हैं, गम देनी सानी सद हे बिनती करत। तो आप स्वरों को जब आप जानेंगे, राग को जब आप समझेंगे, राग के चलन को आप समझेंगे तो राग जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके सामने आता है और आप उसको एंजॉय करेंगे, उसको गाएंगे। राग को जब समझ कर करेंगे तो राग आप कभी नहीं भूलेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन राग को स्पष्ट रूप से उसके स्वरूप को जानकर आप राग को कभी नहीं भूलेंगे। मालकोस आते ही आपके सामने आपके मानस पटल पर जो है उसके स्वरों, जो उसके स्वर हैं, उसका जो भाव है वो इंगित हो जाएगा। तो इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करिए। और जहाँ तक राग के लक्षणों की बात है, जहाँ तक कि राग के बारे में जो कुछ भी मैंने आपको बताया, देखिए कितने पुराने जो शास्त्रकार हैं उन्होंने बड़े बहुत ही अच्छे तरीके से एक सूत्र में बांध के अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया, लेकिन बंदिशों में भी देखिए उसको प्रस्तुत किया, जिसके हम लक्षण गीत कहते हैं, यानी राग के लक्षणों का वर्णन होना। तो लक्षण गीत जो है इस राग के जो है वो एक लक्षण गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जो कि बंदिश है, जो कि पंडित भातखंडे जी के संग्रह से ली गई है। और इसमें इस गीत में, इस बंदिश में आप देखिए मालकोस राग का पूरा वर्णन इसमें सामने आता है। मैं एक बार इसको आपको पढ़ के बताती हूँ। तब माल कंस गुनी चतुर गाय, जब गमधनी को विकृत बनाए, यानी गमधनी को विकृत यानी कोमल, विकृत उसका स्वरूप बदल देना। तो क्योंकि गधनी तो तीव्र हो ही नहीं सकते, वो कोमल ही रहते, और मध्यम कोमल का तात्पर्य ही इससे है कि ये आपका मध्यम शुद्ध है। अंतरा है मेल करत भैरवी मध्यम सुर, मेल करत, मेल यानी थाट, भैरवी थाट से उत्पन्न है, मध्यम अंश समय निस तृतीय कहे प्रहर, मध्यम अंश स्वर यानी मध्यम वादी स्वर है, और समय क्या है निशि यानी रात्रि का तृतीय प्रहर, रिप वर्जित औड़व बनाए, रिप वर्जित रे और प वर्जित होने से ये औड़व बन जाता है, यानी औड़व बनाए, राग को औड़व जाति का बना दिया था। तो ये राग मालकोस जो है देखिए कितना सुंदर और कितना स्पष्ट और कितना सूक्ष्म रूप से इस बात को कहा गया है, और इसको तीन ताल की ये बंदिश है, इस बंदिश को भी गाते हैं, और इस बंदिश को आप ज़रूर सीखें, क्योंकि ये बंदिश आप गाने से आपको राग मालकोस की विशिष्टताएं, उसकी विशेषताएं जो हैं, उसका जो स्वरूप है वो आपके सामने आ जाएगा। तब माल कंस गुनी चतुर गाय, तब माल कंस गुनी चतुर गाय, तब माल कंस गुनी चतुर गाय, जब गमदनी को भी करता बना
गमदनी को विकरता बनाए जब पाल कंस गुण चतुर गाए जब माल कंस गुण चतुर गाय जब गमदनी को विकरता बनाए जब गमदनी को विकरता बनाए जब माल कंस गुण चतुर गाय तब माल कंस गुण चतुर गाय मेल कर तब रवि मध्यम सुर मेल कर तब रवि मध्यम सुर मेल कर अंश समय निस तृतीय काए पहर अंश समय निस तृतीय काए पहर रिपवर जीताड़वा बनाय रिपवर जीताड़वा बनाय तब माल कंस गुण चतुर गाय तब माल चतुर गाय जब गमदनी को विकरता बनाया को विकरता बनाया जब गमदनी को विकरता बनाया जब माल कंस गुण चतुर गाय तब माल कंस गुण चतुर गाय मेल करत भैरवी मध्यम सुर मेल करत भैरवी मध्यम सुर अंश समय निस तृतीय कए पहर अंश समय निस तृतीय कए पहर रिपवर चतुर गाय तब माल कंस तब माल कंस तब माल कंस गुण चतुर गाय। तो ये जो बंदिश आपके सामने प्रस्तुत की इस बंदिश को गाकर आपको राग मालकंस की जो विशेषताएं हैं वो आपको सब समझ में आ जाएंगी और आप मालकंस राग को बखूबी गा बजा सकेंगे। तो ये था राग मालकंस का ये परिचय। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों जैसे कि मैम ने बताया ये हमारा कार्यक्रम था राग मालकंस पर, इसका पहला भाग, और कल इसका हमारा दूसरा भाग रहेगा। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए और हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों हम आपसे इजाज़त देना चाहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, नमस्कार।